अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, और कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। सही से ताकि मैं आप सभी का बहुत करती हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज मैं कोई रेसिपी नहीं शेयर कर रही आप लोगों के साथ। आज मैं एक ब्लॉग लेकर आई हूँ आपके साथ। मैं अपना ट्रिप आज शेयर करूँगी लखनऊ से देवा। तो मैं जा रही हूँ सबके साथ, यानी कि हम सभी लोग जा रहे हैं फ्रेंड। जितनी भी हमारी फैमिली है, जो भी है, सेवा ससुराल वाले, यानी कि और भाई भाभी, भतीजी भतीजे, मेरे बच्चे, हम सब लोग जा रहे हैं देवाशरी। तो यहाँ पर देखिए, हम लोगों ने सब लोगों को जाना था, तो कम से कम भाई 20-22 लोग हैं। तो हमने 25 सीटर वाली बस हमने सब लोगों ने की है, और इसी में हम लोग बैठ के जाएंगे। तो हमारे घर से ही बस देखिए चल रही है, मिनी बस है ये। तो हम बैठ गए हैं, मेरे घर के पास मेरी छोटी ननंद रहती है, वो उसके बच्चे बैठ गए हैं, मेरे बच्चे और मैं बैठ गई। तो हम लोग जा रहे हैं, देखिए ये इमाम बाड़ा है। तो हम लोग जा रहे हैं डालीगंज, तो ये रूमी गेट इमाम बाड़े की तरफ से बस वाला ड्राइवर लेके जा रहा है, और हाथी पार के पास रोक देगा, क्योंकि वहाँ से सब लोग आएंगे। छोटे छोटे अले भाई जो हमारे हैं, तो वहाँ पर रहते हैं डालीगंज में, तो सामने, तो वो लोग को भी बैठाना है। तो यहाँ पर देखिए बस रुकी, और सब लोग आकर बैठ गए बस के अंदर। जितने लोग वहाँ पर थे, अब सब लोग आ गए हैं। ये देखिए भतीजी है, ये दामाद है, ये देखिए भतीजी के बच्चे हैं। इन्होंने सफ़र की दुआ पढ़ाई, और अब बस फिर से चल दी है। तो ये मास्टर अब्बास है, देखिए माशाल्लाह से, और ये अपनी मम्मा से जिद कर रहे हैं, दे दो खाने के लिए मांग रहे हैं। तो ये माशाल्लाह बहुत शरारती हैं, और बहुत बड़े डांसर भी हैं ये, इनके लिए माशाल्लाह बोल दीजिएगा। तो हम सभी लोग बैठ गए हैं बस में। तो फ्रेंड, सब लोग मिलकर एक साथ जब जाते हैं, तो जब सब लोग मिलकर एक साथ जाते हैं तो बहुत ही इन्जॉय होता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि हाँ, सब लोग इकट्ठा होकर हम लोग अपनी कन्वेंस से जो है जाते हैं, तो बड़ा ही मज़ा आता है। अभी हम लोग जैसे कि पिछले साल कश्मीर ट्रिप पे भी गए थे हम लोग, तो सारे लोग गए थे, और बहुत इन्जॉय किया था हम सभी लोगों ने, बहुत मज़ा आया था। तो आज भी हम सब लोग जा रहे हैं, सब लोग साथ में, और काफ़ी सालों के बाद हमारा देवा जाना हो रहा है फ्रेंड्स। करीब 9-10 साल के बाद हम देवा जा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से देवा नहीं गए थे। और हम लोगों का तो देवा जाना बचपन से हम देखते आ रहे हैं, देवा जाते आते रहते थे। हमारी जो बड़ी अम्मा, हमारी ये वालदा, अल्लाह उनको जन्नत दे, आमीन, वो देवा शरीफ जाती थी, और उर्ज में ज़रूर जाती थी वो। और जो है, जब भी हमारे घर में कोई भी नई गाड़ी वगैरह आती थी, भाई लाते थे हमारे, तो देवा ज़रूर जाते थे सलामी देने। तो हम लोग का बहुत बार जाना आना हुआ है, हम लोग बहुत बार जा चुके हैं, हम काफ़ी सालों से जा रहे थे। तो फिर जा रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए छोटे भी हम पकौड़ियाँ लेकर आई थी, उसने जैसी पकौड़ी निकाली, और लूट मच गई पकौड़ियों की, देखिए सब लोगों ने लूट मचा दी, और सब मजा मच गई। फिर आखिर में मुझे भी दो मिली गई पकौड़ियाँ, देख लेती हूँ पकौड़ियाँ मुझे भी लग गई। तो उसने वो पकौड़ियाँ लेकर आई थी, और बस में उसने सबको बता दिया, चलने भी लेकर आई थी बनाकर। तो घर से बस में हम लोग खाते पीते हुए जाते, तो बहुत मज़ा आता है। ये देखिए आलू भी लेकर के आई थी वो बना करके, तो ये सूखे मसाले वाले आलू भी बना के लाई थी, पकौड़ियाँ लाई थी, चने लाई थी। तो सब कुछ बना के जब सफ़र को लेकर जाओ, तो बहुत मज़ा आता है रास्ते में खाते पीते हुए, और जाते हंसते गाते बोलते हुए जाते हैं। तो सफ़र में सफ़र का मज़ा ही दुगना हो जाता है। जितना मज़ा सफ़र में आता है, उतना मज़ा तो वहाँ दिन में जाके नहीं आता, जितना कि हम लोगों को यहाँ बस पे आया है। तो ये देखिए मोबाइल देख रहे हैं इसमें मास्टर अब्बास जो है, ये मोबाइल में लगे हुए हैं, और अब कोल्ड ड्रिंक चल रही है पैसा। तो सब खा पी के पकौड़ी और आलू चने खा के अब सबकी जो है कोल्ड ड्रिंक चल रही है यहाँ पर। और तो फ्रेंड्स, मेरी आवाज़ अभी भी सही नहीं है, देखिए की दावत है में। ये दमाद जी हमारे कह रहे हैं कि इनकी जगह बारात का दावत है, बारावंकी जो उनके जानने वाले देवा में, और वहाँ किसी की बारात है जो इनके जानने वाले, वहाँ उनकी दावत है। तो सब लोग कह रहे हैं कि फिर दावत रोटी भी सबको ले चलिएगा, बढ़िया वहाँ पर खिलाइएगा नहारी और खमीरी रोटी। तो ये देखिए भतीजी की बेटी है, सबसे छोटी, अपने पापा की बेटी है, चश्मा लगा रही है। तो
छोटे बड़े बच्चे सभी बहुत इंजॉय करते हैं और सब सबने बहुत इंजॉय किया, सब बहुत खुश हैं और हम लोग पूरे रास्ते हंसते बोलते और हंसी मजाक करते ही गए। और जहाँ पर ये दोनों साहब वो जमा हुए साथी को बताने ये जहाँ पर वहाँ पर जो लड़की जमा आता है बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से ये दोनों शरारती हैं, ज़्यादा सबको तंग करते हैं। और जहाँ पर ये लोग होते हैं तो मैं तुम्हें जान आ जाती है, बहुत की शान है हमारी ये दोनों, तो ये सब बहुत ही मज़े के लिए दोनों बहुत मज़े कराते हैं, सबको बहुत हंसी कराते हैं, बहुत इंजॉय होता है उनसे। और ये दोनों जो है बच्चों को बहुत शरारत कर परेशान करते हैं, छोटे बच्चों को बहुत परेशान करते हैं, कोई एक दूसरे को धक्के देते हैं तो कोई एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं, इस तरह से सब रास्ते पर इंजॉय करते हुए जाते हैं। तो इसी तरह से मजा आता है, सब लोग साथ होते हैं तो इस तरह से मजा भी आता है जाने का। जा रहे हैं दादा मियां की मजार पे, ये पहली बार शायद देवे आई है ऐसा लग रहा है। आ चुके हैं फ्रेंड्स यहाँ पर, देवे आ गया है ये दादा सरदार साहब की मजाक पर। हम लोग सरदार पर पहले उतरे हैं क्योंकि सबसे पहले यहीं पर हम लोग रुकते हैं, फिर उसके आगे जाते हैं बड़ी मजाक हमेशा से। सबसे पहले हम लोग यहाँ दादा मियाँ के दरगाह पर रुकते हैं, तो यहाँ दादा मियाँ की दरगाह पर हम लोग रुकते हैं पहले। देखिए दरगाह के अंदर लेडीज यहीं जाती है, हम सब लेडीज जाती हैं, हम लोग और क्या मेले की सब खबर थी हमको पहले ही भैया, सब खत्म भाई। क्या है ना जाना तो मजा आएगा, आप वहाँ पर बैठिए, वहाँ बैठ के पातिया कीजिए, लेकिन जो है कब्र जहाँ पर होती है वहाँ नहीं जाना चाहिए। तो वहाँ पर ये चली आ रही है सलमान खान वाली कौन सी फिल्म थी वो, बजरंगी भाईजान के तो यहाँ पर जैसे कि हर साल उर्स होता है, तो उर्स यहाँ पर था पिछले महीने था, लेकिन मेला सब खत्म हो चुका है, मेला अब नहीं है यहाँ पर, सन्नाटा है, बहुत ही कम दुकानें जो रोजमर्रा की जैसी होती हैं यहाँ लगी हैं बहुत कम। तो ये देखिए ये आ गई है, यहाँ पर हम लोग उतर गए बस से और हम लोग जाएंगे दरगाह पर। तो यहाँ से भी दरगाह अंदर करीब जो है एक किलोमीटर आधा किलोमीटर है, आधा किलोमीटर तो है दरगाह यहाँ से भी, जो गेट बना था उससे अंदर आधा किलोमीटर चल के जाना पड़ता है। तो यहाँ पर सब लाइन से देखिए दुकानें लगी हुई हैं और सब लोग दुकानें लगी हैं, और जो जहाँ पे दरगाह है अंदर तो यहाँ के बाहर भी देखिए सीनरी की चादर की दुकानें, फूल वालों की दुकानें लगी होती है लाइन से दोनों साइड में, देखिए बड़ी बड़ी सी, और ये लोग सबको बुला बुला करके देते हैं। तो ये देखिए ये गेट है दरगाह के अंदर जाने वाला, तो ये बड़ा गेट देखिए खुला नहीं है और जो साइड वाला छोटा होता है वो खुला, उसी से हम सब लोग अंदर जा रहे हैं। देखिए माशाल्लाह से ये है वारिस अली दिया की मज़ार दरगाह यानी कि, और इसका ये बाहर का जो है जगह है एरिया, तो बाहर काफ़ी बड़ा एरिया है, तो यहीं पर सारे मुसाफिर जो आते हैं वो रुकते हैं ठहरते हैं। और अभी तो सन्नाटा है यहाँ पर, इतनी भीड़ नहीं है, लेकिन उसमें तो बहुत भीड़ होती है, और उसमें या नौचंदी जुमेरात में काफ़ी रश होता है, पैर रखने की जगह नहीं होती है, तो यहाँ पर चप्पल उतार करके हम लोग सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ा के जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए बाहर जो है बहुत बड़ा सा फर्श है, और यहाँ पर कब्र है, कब्र के बाहर आस्थानी के बाहर का एरिया है, यहाँ पर अगरबत्ती भी जलती है, ये देखिए लोग अगरबत्ती यहाँ पर जलाते हैं, ये अगरबत्ती जल रही है। तो यहीं पर सारे में देखिए यहाँ पर हम लोग किनारे आ गए हैं, और इस जगह पर चादर बिछा करके सब लोग बैठ जाएंगे, तो चादर लेकर घर से आए थे सब लोग, यहाँ पर बिछा के हम लोग आराम से बैठेंगे। रात हो चुकी थी, इस समय 9 बज चुके हैं, 9:30 बज रहे हैं, क्योंकि जो है बंद हो जाती है यहाँ पर जो दरवाज़ा है दरगाह का जो फाटक है वो बंद हो जाता है, मतलब जहाँ पर वो बंद हो जाता है। तो ये देखिए खाती रहे, अब सब भूखे हो गए थे तो किससे सब खाती रहे, खाना बांध के लेकर आए थे सब लोग घर से, तो बिरयानी लेकर आई थी, बड़ी वाली भाभी छोटी वाली भाभी लाई थी, कीमा पूरी नन वही लेकर आई थी, पकौड़ियाँ और चने आलू, तो ये खाने के बाद अब चाय भी हो रही है।
हेलो गाइस, तो बोलो हाय गाइस, मैं सबको जय मैं लो बोले पिछा पियो है और कॉफ़ी जिसकी डिमांड थी बिटिया, यहाँ कॉफ़ी है नहीं पूरे उसमें, तो शाम से देखे हम लोग यहाँ कोई नहीं बना रहा, सब पूछा हमने तो शाम की चाय भी नहीं पी थी और शायद ये वाली भी बनवा देगा कि तो जैसे सर भारी रहता है, चाय की बहुत नीड हो रही थी, तो फिर हम लोग खाने के बाद अब चाय पी रहे हैं यहाँ पर, और चाय पी करके फिर हम लोग थोड़ी देर यहाँ पर बैठे, फिर आराम किया थोड़ी देर बैठ के सबने, फिर बातचीत की, थोड़ी बातें की, फिर अब हम लोग सब बाहर निकल आए हैं देखे आस्थाने से यानी कि दरगाह से, अब बाहर की तरफ निकल आ रहे हैं हम लोग। और ये देखिए, ये मैं जा रही हूँ, ग्रीन बैग जो है टांगे हैं ये मैं हूँ, और यहाँ पर साइड में देखिए अब जो है सब लोग जो है जो दुकानें लगी हुई बाहर, तो ये रात के करीब जो है 11:30-12 का टाइम है, 11:30 का, तो दुकानें यहाँ पर 12 बजे बंद होने लगती हैं, जो रोज़मर्रा की दुकानें होती हैं, जैसे उस तो है नहीं जो मेला लगा हो, लेकिन यहाँ पर ये दुकानें रोज़ होती है, तो चूड़ी की दुकान है देखिए लगी है, और अंगूठी की दुकानें, आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, खाजा है, और सोन पापड़ी वगैरह, सोन हलवा, सभी चीज़ की दुकानें यहाँ पर लगी होती हैं। और ये चूड़ियाँ देखिए देखी जा रही हैं बच्चों के लिए, और ये देखिए अंगूठी ली है बच्चों ने, तो कुछ ना कुछ है ज़रूर ले लिया जाता है। ये देखिए यहाँ पर ये मिट्टी के बर्तन की दुकान है, और ये मिट्टी के बर्तन यहाँ पर कितने प्यारे प्यारे खूबसूरत से हैं, तो काफ़ी टाइम से मुझे ये हांडी लेनी थी, तो हमने कहा मिट्टी की हांडी ले लें हम यहाँ पर, और ये बर्तन बड़े ही प्यारे लगते हैं, और जब जब हम लोग आते हैं यहाँ से चाय के कप ज़रूर खरीद के लेकर जाते थे। ये देखिए चाय के कप हैं, ये छोटे छोटे से देखिए गिलास हैं, लोटा है, और बच्चों के भी खेलने वाले खिलौने वाले छोटे छोटे बर्तन होते हैं, ये देखने में काफ़ी खूबसूरत से लगते हैं, ये प्याले हैं। तो यहाँ से हम लोगों ने जो देखी लिया है हांडी, तो सभी ने हांडी ली, हमने भी ली, और मेरी नन ने भी ली देखी, और सभी ने हांडी ली है, तो दो हांडी हमने ली और भाभी ने ली, नन ने ली, और यहाँ पर खाजा लिया गया है, और हलवा पराठा हम लोग ले ही चुके थे, वो मैंने कैप्चर नहीं किया, कैसे ऐसे हो सकता है कि हलवा पराठा ना लिया जाए, तो सब ने हलवा पराठा भी खरीद लिया फ्रेंड्स। तो ये था मेरा देवा का टूर, हम सब का ब्लॉग कैसा लगा आप सबको, पसंद आए लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और फुल बात किया कीजिए, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। तो अब हम लोग अपने अपने घर के लिए बाहर निकलेंगे, घर की जाने की तैयारी कर रहे हैं, और फिर आएंगे इंशाल्लाह आपके लोगों की, तो अपना ख्याल रखिएगा, गाँव में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।